नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वर्गीय अमर सिंह को बीजेपी परिवार ने दी श्रद्धांजलि, बाबरी विध्वंस फैसले पर बोले सीएम शिवराज। सेवानिवृत्ति पर मित्रों ने शिक्षक को दी विदाई। माधवराव सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि पर निकाली ज्योति यात्रा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पिता की बुधवार को पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर भाजपा के मंत्री और पदाधिकारी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वर्गीय अमर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारी युवा सांसद विष्णुदत्त शर्मा के पिता, उनको श्रद्धांजलि देने आज पूरा भाजपा परिवार यहाँ आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमर सिंह ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। आज का विषय है और ये जो कमलनाथ जी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, चुनाव के पहले ये कहा था कि हम 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे और किया नहीं, किया भी, सिर्फ आदेश दिए कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन उनके खातों में पैसा नहीं डाला। ये अपराध किया और इसलिए इसका अगर कोई पापी है, अपराधी है, तो वो कमलनाथ और कांग्रेस और राहुल गांधी। इसलिए आत्महत्या कर रहे किसान? नहीं नहीं, किसान वाकई में दुखी है और धोखाधड़ी की, और किसानों की जो संस्था है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, जो उनको ऋण देती थी खाद भी दवाई, उनकी भी गला घोट के हत्या कर दी कमलनाथ जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे युवा सांसद मेरे भाई विष्णुदत्त शर्मा जी के पिताजी का 93 साल की उम्र में स्वर्गवास हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने आज पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, बाकी भी सब लोग आए। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। और श्री अमर सिंह दंडोदिया ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है और भविष्य में मध्य प्रदेश की सेवा, जीवन भर देश की सेवा करते रहेंगे। मैं उनके सिर चरणों में प्रणाम करता हूँ। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में बुधवार को फैसला सुनाते हुए मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज ने कहा कि यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला आया है। साथ ही सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कितने षड्यंत्र रचे हैं और कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण का भी जीवन भर विरोध करती रही। कांग्रेस को जय श्री राम का नारा काटी की तरह चुभता है। आइए सुनते हैं क्या कहा सीएम शिवराज ने उन्हीं की जुबानी इस रिपोर्ट के जरिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक फैसला आ जाए। कांग्रेस ने कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचे। राम मंदिर क्या, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का जिंदगी भर विरोध करते रहे। जय श्री राम का नारा जिनको कांटों की तरह चुभता था, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने में जिनका हाथ रहा, और बाद में संतों पर, महात्माओं पर, हमारे वरिष्ठ नेताओं पर, श्रीदेव अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, दीदी उमा भारती जी, साध्वी रितंबरा जी, इन पर झूठे मुकदमे चलवाए। लेकिन आज कांग्रेस बेनकाब हो गई और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो गई। विशेष अदालत के हमारे सारे नेताओं को, संतों को, महात्माओं को आज निर्दोष मान के बाइज्जत बरी किया और कांग्रेस के कुचक्र आज सामने आ गए। अरे जय जय श्री राम। एक ऐतिहासिक दिन है आज मेरे मित्रों, हमें सब सत्य की विजय।
कितने झूठे आरोप लगाए। आरोपों की चक्की में हमारे नेताओं को कैसे पीसा गया। सत्य सत्य है, अंततः विजय सत्य की होती है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गरोट नगर में बैक्सिस स्कूल में प्रमोद जैन अपनी सेवा देते हुए सेवानिवृत्ति का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रखा गया, जिसमें पांच शिक्षकों ने बेसिक स्कूल प्रांगण में शॉल श्रीफल वह पगड़ी बांधकर प्रमोद जैन को भावभीनी विदाई दी। साथ ही शिक्षक प्रमोद जैन ने गरोट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों के लिए कूलिंग वाटर की सौगात दी, जिससे क्षेत्र विधायक देवीलाल धाकड़, राजेश सेठिया, ललित चंदेल आदि इष्ट मित्रों ने उनकी सेवा की प्रशंसा कर सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में पुष्पमाला पहनाकर विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गरोट से राजेश ग्वाला की रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग रोलर स्केटिंग एसोसिएशन हर साल की तरह इस साल भी कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि पर माधव ज्योति यात्रा निकाली। उन माधवराव की समाधि स्थल पर पूर्व से आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक राम नारायण मिश्रा, सचिव दीपक जायसवाल ने आयोजक रमेश अग्रवाल, पर्व विधायक और बाल खांडे को माधव ज्योति भेंट करते हुए प्रतिमा के समक्ष स्थापित की। कि कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल संभाग रोलर स्केटिंग समिति जो है वो पिछले 16वीं वर्ष है इस बार जो स्केटिंग के द्वारा हम यहाँ पर माधव ज्योति यात्रा लाते हैं नदी गेट से, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना के महामारी के चलते हुए इस बार हमने बच्चों को परेशान ना किया, ना कोई इस तरह से रैली एक नहीं निकाली है क्योंकि इन सभी पर रोक है, तो हमने आज जो है अपना अचलेश्वर मंदिर से केवल माधव ज्योति को हम चुनिंदा सदस्य समिति के जो है उसको लेके आए हैं और आज हमने जो है यहाँ इनकी पुण्यतिथि पर जो अपनी समाधि स्थल है श्रीमंत साहब कैलाशवासी महाराज साहब का, वहाँ पर जहाँ आयोजकों को वो जो है ज्योति जो है भेंट की। इसमें हमारे साथ समिति के जो है अध्यक्ष संजय कट्ठल जी और सचिव दीपक जायसवाल जी और पूरी टीम, हम लोगों ने आकर जो परंपरा हमारी 16 वर्ष की चली आ रही है उसको आज जहाँ श्रद्धा के साथ जो है अपनी ज्योति को जहाँ स्थापित किया है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। बदनावा तहसील के गांव संदला में छायन वाले दो सगे भाई जीवन भर साथ रहे, जब मरने का समय आया तो भी साथ में ही दुनिया को अलविदा कहने का सहयोग बना। बुधवार सुबह 5 बजे 73 साल के नंदराम पाटीदार का निधन हुआ, जिसके बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन उसके लगभग 3 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि बड़े भाई के वियोग में छोटे 65 साल के धुलजी पाटीदार ने भी अंतिम सांस ली। दोनों भाइयों के निधन के समाचार से गांव सहित समाज में शोक छा गया। दोपहर में बैंड बाजे के साथ दोनों भाइयों की डोल निकालकर मुक्ति धाम पहुंचाया, जहां एक ही चिता पर दोनों भाइयों की पार्थिव देह कर अंतिम संस्कार किया गया। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।